तो देखते हैं समास आपका क्या होता है। समास अगर हम देखें तो सही मायने में ये शब्दों के निर्माण की विधि है, यानी जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसकी एक विधि हमारा समास भी है। तो समास की परिभाषा क्या होती है? तो समास की परिभाषा होती है दो से अधिक शब्दों के समूह से जब कोई एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम समास पढ़ेंगे कि समास क्या है, कैसे है, मैं यहाँ आपको वो सारी चीज़ें करवाऊंगी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है समास से वो भी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ मैं पहले आपको बता रही हूँ कि समास करने से पहले कुछ शब्दों पे हमें ध्यान देना होगा। जैसे जैसे एक शब्द है आपका समस्त पद। समस्त पद क्या होता है, ऐसे क्या किसको कहते हैं समस्त पद? दूसरा शब्द आता है आपका पूर्व पद। पूर्व पद किसे कहते हैं? अगला शब्द आता है उत्तर पद। उत्तर पद किसे कहते हैं? अगला शब्द आता है आपका समास विग्रह। तो समास विग्रह किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम पहले सीखेंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि जो समस्त पद आपका होता है, जब दो शब्दों से अधिक शब्द से मिलकर जो नया शब्द बना है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। तो हम कह सकते हैं समास विधि से बना शब्द समस्त पद कहलाता है, यानी समास विधि से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। और जब हमारा कोई जब समस्त पद बन जाता है तो उस समस्त पद में जो पहला पद होता है, पहला पद वही हमारा क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है या प्रथम पद कहलाता है। और उसी समस्त पद का दूसरा पद जो होता है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है, दूसरा पद। और समास विग्रह कहते हैं जो समस्त पद है, समस्त पद का विस्तृत रूप या कहें फैला हुआ रूप या खुला हुआ रूप। तो यानी हमने देखा समस्त पद हमारा होता है समास विधि से जो नया शब्द बनता है उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद होता है समस्त पद का पहला पद, उसे हम पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद उसका दूसरा पद होता है। और समास विग्रह जो समस्त पद आपका होता है उसको जब हम खोल कर लिखते हैं, विस्तार करके लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन सा पॉइंट एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखते हैं, जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा राजकुमार, या हमने एक शब्द लिखा रसोई घर। ठीक है, यहां आप ध्यान देंगे कि जो हमने लिखा है राजकुमार, या पहले राजकुमार देखते हैं, इसमें जो ये आपका राज है ये क्या है? पूर्व पद कहलाएगा। और जो ये कुमार है ये क्या कहलाएगा? उत्तर पद। और ये जो शब्द आपका बना है पूरा नया ये कहलाता है समस्त पद। ठीक है, इसे हम कहते हैं समस्त पद। और इसका समास विग्रह क्या होगा? जैसे हमने इसको फैला के लिखा राजा का कुमार, यही आपका क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि राजकुमार जो हमने शब्द लिखा इसका राज जो है ये पूर्व पद है, कुमार जो है ये उत्तर पद है, राजकुमार पूरा जो शब्द नया बना है वो समस्त पद है, और इसका समास विग्रह राजा का कुमार। तो हम ये समझ गए कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और समस्त पद क्या है। अब हम करते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? यहाँ पे समास के प्रकार करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैं जो यहाँ पे आपको तरीका बताऊँगी वो तरीका इस तरह से है कि आप समास एक बार कर लेंगे, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सेकंड लगेंगे किसी भी शब्द के समास को सर्च करने में। कैसे? यहाँ जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी, जिस क्रम से मैं आपको समास सिखाऊँगी, आपको उसी क्रम में समास को सीखना है।
जैसे देखो हमारा समास के प्रकार, समास के प्रकार हमारे छह होते हैं, छह प्रकार के हम समास पढ़ते हैं, लेकिन परिभाषा के आधार पर हम चार प्रकार में लेके चलते हैं। कैसे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। यानी परिभाषा हमारी, तीन जो समास हैं उनकी परिभाषा कुछ एक जैसी होती है, तो उन तीन को हम एक तरफ कैटेगरी में रखते हैं, तो यहाँ मैं आपको उसी तरह से बता रही हूँ। पहला हमारा समास आता है अव्ययी भाव समास, दूसरा हमारा समास आता है द्वंद्व समास, तीसरा हमारा समास आता है बहुव्रीही समास, चौथा हमारा समास आता है यहाँ पर तत्पुरुष समास। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो तत्पुरुष समास है, हमारे तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि इसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। इसकी इसी परिभाषा पे आधारित होके हमारे दो और समास होते हैं जिन्हें हम इन्हीं के अंडर में लेते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो यानी इस तरह से हमारे छह समास हो गए, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब मैं आपको अगर एक थोड़ा जल्दी से बताऊं कि इन समास को आपको कैसे पहचानना है, तो ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा जो आती है कि इसका पूर्व पद कोई अव्यय शब्द होता है या कोई उपसर्ग। ठीक है, जो आपका अव्ययी भाव समास होता है इसमें या पूर्व पद या तो कोई अव्यय शब्द होता है या कोई उपसर्ग होता है। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति आपका पूर्व पद क्या है, एक उपसर्ग है, तो इस शब्द में आपका क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आजीवन, इसमें आपका पूर्व पद आ और उत्तर पद जीवन, और आ मतलब उपसर्ग हो गया, इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल सिंपल। द्वंद्व समास, द्वंद्व से आप क्या समझते हैं, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, यानी द्वंद्व समास उन दो पदों के बीच में होता है जहाँ झगड़ा हो, या झगड़ा नहीं, या तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा महत्व रखते हों या उनके बीच में झगड़ा हो। झगड़ा हम कह सकते हैं विलोम, यानी द्वंद्व का मतलब है या तो वो एक दूसरे के विलोम हों या एक दूसरे के पूरक, और इस तरह के जो शब्द आपके होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी एक अजीबोगरीब ट्रिक पे इसको याद करते हैं कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगता है इसलिए इसको द्वंद्व समास में रखते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल है लाभ हानि, ये एग्जाम्पल हो गया, या मैं दूसरा ऊपर लिखती हूँ, जैसे माता पिता, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे और एग्जाम्पल आपका आ जाता है दिन रात, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, या हवा पानी, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इस तरीके से। तो यानी आपने देखा कि इन चारों में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो विद्यार्थी इसको इस तरह से याद कर लेते हैं कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है उनको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अगर ऐसा है तो आप मेरा एक क्वेश्चन बताइए, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है देवासुर, इसमें कौन सा समास है, इसमें कोई योजक चिन्ह नहीं है आपका, लेकिन ये फिर भी आपका क्या है, द्वंद्व समास है। और क्यों द्वंद्व समास है, क्योंकि देव और असुर इसमें विलोम है, देव और असुर। तो ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास को याद रखने का तरीका है, द्वंद्व जिनमें झगड़ा पाया जाए, जिनमें एक दूसरे से ऊपर जाने की बहस पाई जाए, माता पिता, माता पिता लिंग के आधार पर एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इनमें द्वंद्व समास होता है। दिन रात विलोम है,
द्वंद समास है। हवा पानी, जितना जरूरी हवा उतना जरूरी पानी, द्वंद है इनमें, यानी पूरकता है इनमें। तो यहाँ पे द्वंद समास में लाभ हानि एक दूसरे के विलोम है, द्वंद समास है। देवासुर, देव और असुर, यहाँ पे भी क्या है, द्वंद है। तो ये आपका द्वंद समास आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा द्वंद समास आपका बहुत सिंपल सा होता है। उसी तरह से अगला चलते हैं बहुव्रीही की तरफ। बहुव्रीही में क्या होता है, इसमें दोनों पद आपके क्या होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं, और दोनों ही पद मिलके किसी अन्य पद को प्रधान बनाते हैं। जैसे हमारा दिया घनश्याम, घन के समान है श्याम जो, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पे हमारा पूर्व पद घन और उत्तर पद श्याम दोनों ही क्या हो गए, गौण हो गए, लेकिन तीसरा पद जो है कृष्ण अर्थात कृष्ण वो प्रधान हो गया, और वही क्या कहलाता है, आपका बहुव्रीही समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास जो सबसे सिंपल है आपका, इसका पूर्व पद गौण होता है। गौण कहते हैं कम महत्वपूर्ण को, जिसका महत्व कम हो, और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, और उत्तर पद आपका कैसे प्रधान होगा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाती हूँ। कैसे आपको ये पहचानना है कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा गौण है। जैसे आपने शब्द लिखा युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, दोस्तों इसमें ये आपका तत्पुरुष समास है, क्षेत्र जो इसमें शब्द है ये उत्तर पद है आपका, और यही प्रधान है। जब आप युद्ध क्षेत्र बोलते हैं तो आपको युद्ध करते हुए लोग नजर आते हैं या एक मैदान नजर आता है। तो ऑब्वियसली आपको जब युद्ध क्षेत्र बोलते हैं मैदान नजर आता है, तो यानी क्षेत्र उत्तर पद प्रधान है। उसी तरह से हमने शब्द लिखा राजकुमार, जब हमने राजकुमार कहा तो इसमें उत्तर पद है कुमार, कुमार कहते हैं पुत्र को। तो जब आप राजकुमार बोलते हो आपको राजा नजर आता है कि राजा का पुत्र नजर आता है, तो पुत्र नजर आता है, तो वही राजकुमार, यानी क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। उसी तरह से आप जब रसोई घर बोलते हो तो रसोई घर, घर उसका क्या है, उत्तर पद है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो यानी जब रसोई घर बोलते हो तो आपके सामने खाने की थाली नजर आती है, या जहाँ खाना बनाया जाता है वो घर नजर आता है। तो जहाँ खाना बनाया जाता है वो घर नजर आता है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो कि उत्तर पद प्रधान कैसे होता है, यानी आपको किस चीज का प्रभाव आपके दिमाग में आता है वही वो उत्तर पद होगा, यानी लास्ट का द्वितीय पद होगा, वही प्रधानता उसकी होगी, तो वो तत्पुरुष समास में आता है आपका। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके जो समास विग्रह होता है, समास विग्रह में आपका जो कारक चिन्ह है वो उनका लोप हो जाता है। इसका दूसरे पहचान की है, जैसे हमने कहा राजा का कुमार, तो इसमें का था, कारक चिन्ह का लोप हो गया। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, तो का इसमें कारक चिन्ह था, उसका लोप हो गया। तो आप इसको दूसरा तरीका पहचानने का है कि इनके मध्य में, इनके बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं वो लोग, उनका लोप हो जाता है। अब ये कारक चिन्ह का लोप आप तभी तो समझ पाएंगे ना, जब आपको उसका समास विग्रह पता होगा। अगर आपको उसका समास विग्रह नहीं पता है तब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो तब आप इसकी पहचान इसके उत्तर पद प्रधान से करेंगे, यानी इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और आपको कैसा नजर आता है, जब आपने युद्ध क्षेत्र बोला तो क्षेत्र समझ में आया, यानी उत्तर पद प्रधान है आपका। तो इस तरह से आपका ये तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे आगे इसमें तत्पुरुष समास में ही आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास की परिभाषा यही होती है कि उसका उत्तर, जो पूर्व पद होता है वो गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन उसका जो पूर्व पद होता है उसमें संख्यावाचक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख लें तिराहा, हमने लिखा तिराहा, या हमने लिखा चौराहा, या हमने लिखा दसानन, ये हमारा क्या हो गया, ये दस चौ तिर
ये सब हमारे क्या है, संख्यावाचक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। उसी तरह से कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में भी आपका पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन साथ ही साथ दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय या उपमान का संबंध पाया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया घनश्याम, तो घनश्याम में मतलब घन के समान है जो श्याम, तो यहाँ पे घन और श्याम उपमेय और उपमान हो गए। तो अब आप सोच रहे होगे कि कर्मधारय समास में भी घनश्याम हो गया और बहुव्रीहि में भी हमने घनश्याम ही बताया, तो ये आपका होता है एक आपके समास का एग्जाम्पल, दूसरे समास के एग्जाम्पल में भी आता है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल अगली वीडियो में बताऊँगी, या फिर आप इंतज़ार कीजिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस का कि पूरी समास को बहुत डिटेल से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बिल्कुल हर समास को अलग अलग तरीके से भी आपको करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।